राजगढ़ में प्रेरणादायी जनसुनवाई। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जनसुनवाई के बाद कार्यालय के बाहर घूम रहे आवेदकों से कंधे पर हाथ रखते हुए जानी समस्याएं। पुलिस के प्रति बड़ा लोगों का भरोसा। राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान जनसुनवाई खत्म होने के बावजूद भी गाड़ी रोककर लोगों की समस्याएं सुनी। वैसे आम जनता के लिए अपनी आवाज पहुंचाने का दिन मंगलवार तय है, पर एसपी शर्मा हर समय तत्काल समय निराकरण करने में पीछे नहीं हटते हैं। इससे आम लोगों का पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। लोग बेहिचक पुलिस अधीक्षक के पास समस्याएं लेकर पहुँचते हैं। एसपी साहब से चलते चलते जन सुनवाई में आपने आवेदन दिया, कैसा लगा आपको? एसपी साहब से आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा? निराकरण हो जाएगा, उम्मीद ले लीजिए। क्या समस्या लेके आए थे? जमीन की, जमीन विवाद था हमारे। कहाँ, नाम क्या है और कहाँ के निवासी हो? पड़ोनिया के, पड़ोनिया, पड़ोनिया के। अच्छा, और नाम क्या है आपका? शिव प्रसाद। क्या आते हैं सर ग्रामीण क्षेत्र के लोग? मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो मैं कोई जनसुनवाई का फिक्स टाइम नहीं रखता हूँ। जो लोग आ जाते हैं, कहे के बहुत दूर से आ रहे हैं, तो जब तक हो पाए, मैं अगर बाहर जाते वक्त भी कोई सुनवाई करता हूँ।